हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फ्रूट केक का स्पॉन्ज किस तरह से बनाया जाता है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फ्रूट केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्पॉन्ज बनाना है वनीला। इस तरह से मार्केट में प्रीमिक्स अवेलेबल है, तो यह मैं वनीला प्रीमिक्स से बना रही हूँ। तो इस वनीला प्रीमिक्स से आपको किस तरह से बनाना है यह हम देखते हैं वीडियो में। तो यह मैंने लिया है, मुझे हाफ के जी का फ्रूट केक बनाना है। तो उसके लिए मैंने 1 कप जो अपना मेजरिंग कप्स रहते हैं उसका जो 1 कप रहता है वह आपको प्रीमिक्स भरकर वनीला प्रीमिक्स लेना है। और इसमें जितना हमने प्रीमिक्स लिया है उसका हाफ आपको वाटर लगेगा। तो ये 1/2 कप मैंने पानी लिया है। केक बनाने से पहले आपको जिसमें भी बेक करना है उसे आपको प्री हीट पर लगा देना है। मैं OTG में पका रही हूँ इसलिए मैंने OTG को प्री हीट पर लगा दिया है। अगर आपको गैस पर पकाना है तो आप गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उस पर स्टैंड रखेंगे और उसे ढक करके उसे भी प्री हीट रखने छोड़ देंगे। जब तक हम यह प्रोसेस करेंगे तब तक हमारी कढ़ाई या ओवन OTG जिसमें भी हम बना रहे हैं वह प्री हीट हो जाएगा। अब यह पानी डालने के बाद इसमें हमें मिक्स फ्रूट जो एसेंस होता है इसकी कुछ ड्रॉप्स आपको 4 to 5 ड्रॉप्स आपको इसमें डालनी है स्पॉन्ज में। अब इसे बीटर से हम फेटेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे बीट कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो हमें 1/2 kg का जो 1 कप के हमने प्रीमिक्स लिया है उसमें 1 टेबल स्पून आपको ऑयल डालना है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल इसके अंदर ऐड किया है और अब हमें सिर्फ 30 सेकेंड इसे लो स्पीड पर बीट करना है। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से आपको एक 6 इंच का टिन लेना है 1/2 kg केक के लिए। और इसमें आपको सिर्फ बटर पेपर, मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ आपको बटर पेपर कट करके इसमें बटर पेपर लगाना है इस तरह से। और यह बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। इस तरह से बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र, बैटर इसमें डालने के बाद आपको इसे 2 से 3 बार टैप करना है। और टैप करने के बाद अब हम इसे OTG में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा OTG जिसे मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट पे लगा दिया था। अब ये प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इसमें यह बैटर रख देंगे और 20 से 25 मिनट का टाइम हम इसमें सेट करेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद मैं आपको अपना स्पॉन्ज दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 25 मिनट्स में मेरा यह स्पॉन्ज बेक हो गया है और देखिए कितना अच्छा बनकर आया है। अब जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ठंडा होने के बाद ही आपको इसमें से चाकू चारों तरफ से नाइफ़ से इसे क्लीन करके फिर उसे निकालना है बाहर। देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा स्पॉन्ज बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे केक टिन में से निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है यह। और यह कितना स्पॉन्जी बना है देखिए। आप किसी भी फ्लेवर में इस स्पॉन्ज को बना सकते हैं, कोई भी फ्लेवर में आप इसे बना सकते हैं, कोई सा भी एसेंस डालकर आप इसे बना सकते हैं। मुझे आज फ्रूट केक का ऑर्डर मिला इसलिए मैंने इसे फ्रूट एसेंस डालकर बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।